दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। इसकी ओपनिंग फ्रंट में है और ये 40 साइज का ब्लाउज है और ये डबल नेक में रहेगा। तो मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है, तो ब्लाउज को साइड में रख देते हैं और लाइनिंग पे आपको भी डिजाइन बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ब्लाउज है हमने इसकी लंबाई 14.5 इंच ली है और देखिए चेस्ट हमने इसका 12 इंच लिया है और जो इसके शोल्डर है वो हमने 7 इंच लिए हैं। और अभी आपको बताती हूँ इसमें डिजाइन कैसे डालें। तो देखिए सबसे पहले हम शोल्डर से डिजाइन ड्रॉ करते हैं, तो शोल्डर से 4 इंच ले लें। इसके बाद हम पूरा डीप का मार्किंग कर लेते हैं। मैं थोड़ा डीप में बना रही हूँ, आप सेम डिजाइन कम डीप में भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 11.5 इंच लिया है। इसके बाद हम ऊपर का जो नेक रहेगा उसका मेजरमेंट लेते हैं। तो देखिए शोल्डर से 3 इंच ले रही हूँ और इसको इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम 1.5 इंच की गुलाई दे देते हैं। इसके बाद हाफ इंच हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे उसके फिनिशिंग के लिए। और इस तरह से हमने ये बॉक्स बना दिया। अभी जो ये बॉक्स है इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड ले रही हूँ जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी इससे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर लिया, थोड़ा नीचे की तरफ भी उतार लिया है और यहाँ पे भी थोड़ा ब्रॉड कर दिया है क्योंकि इसमें लेस लगेगी। और हम अभी सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा ड्राफ्ट कट हो गया है। अभी जो हमारा ये ड्राफ्ट है इसी ड्राफ्ट को रख के मैं कैनवास कट कर लूँगी हाफ इंच चौड़ी। तो देखिए मैंने कैनवास इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख लिया है और कैनवास की चौड़ाई जो है हाफ इंच लेंगे और जो हम नेक पट्टी कट करेंगे उसकी चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे। तो सेम ड्राफ्ट पर कट कर देते हैं। मैंने सेम ड्राफ्ट रख के ये कपड़ा भी कट कर लिया। अभी आपको सिलाई का तरीका बताती हूँ। देखिए कैनवास को इस तरह से रख लेंगे, हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे और फिर इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो अभी ब्लाउज को कैसे तैयार करना है वो आपको बताती हूँ। देखिए ब्लाउज को हम उल्टा रख लेते हैं। इसके ऊपर जो लाइनिंग है हमारा इसको इस तरह से यहाँ से सेंटर से मैंने कट कर दिया क्योंकि यहाँ पे हम डोरी लगाने वाले हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा चारों तरफ लाइनिंग के साथ स्टिच कर लेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक को कट कर देंगे और जो हमारा ये ड्राफ्ट तैयार होगा इससे इसकी फिनिशिंग देंगे। इसके बाद फिर मैंने देखिए लेस लिया, तो इन लेसों से मैं इसको डिजाइन करूँगी। तो मैंने ये दो कलर लेस लिया है, ये पिंक कलर लिया है और ये गोल्ड कलर लिया है। तो मैं लेस को इस तरह से यहाँ पर स्टिच करूँगी, जो ये बॉल है ये इधर इस साइड में आएंगे और ये इस तरह से इसका लुक आएगा। तो देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने इसको लाइनिंग के साथ पूरा स्टिच कर लिया है, प्लेट डाल दी है, नीचे फिनिशिंग दे दी है। और अभी मैं नेक को कट कर देती हूँ, फिर नेक तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने ये नेक कट कर दिया, ऊपर का भी कर दिया, नीचे वाला भी कर दिया। और देखिए जो मैंने कैनवास ली थी और ये कपड़ा लिया था मैंने दोनों पीस सेट कर लिए हैं। और अभी हम नेक को ही ऐसे ऊपर से लेके पूरे नेक को एक साथ ही स्टिच कर देते हैं। और देखिए दो मैंने रेडीमेड डोरी ली है जो कि इसके साथ ही हम पट्टी के साथ ही ये डोरी भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने नेक को स्टिच कर लिया और इस पट्टी को अंदर फोल्ड करके किनारे पर फिनिशिंग दे दी है। और देखिए हमने जो ये लेस ली है इन लेसों को लगा के इसको भी डिजाइन देंगे। तो लेस को हमको नेक से ही स्टार्ट करनी है ऊपर से। देखिए दोनों लेसों को इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, यहाँ पे सेंटर में हम एक पॉइंट दे देते हैं क्योंकि ये लेस को हम यहाँ से टर्न कर देंगे तो हमारी डिजाइन यहाँ पर भी बन जाएगी। तो सबसे पहले इसको सेंटर से फोल्ड करके मार्किंग कर लें, ऐसे फोल्ड कर लेंगे बीच में से। और जो लेस लाएंगे हम ऊपर से तो यहाँ से इस तरफ ले लेंगे और दूसरी लाइन जो आएगी यहाँ से इस तरफ ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दोनों लेसों को एक साथ स्टिच कर देते हैं।
तो देखिए इसी तरह मैं, जैसे मैंने बताया, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक टर्न ले लूँगी, तो पूरे नेक में अटैच कर लेती हूँ। मैंने यहाँ तक लगा लिया है और यहाँ पे हम टर्न ले लेंगे आगे चल के। इसी तरह मैं दूसरी साइड में भी लगा लूँगी। तो देखिए हमने ये लेस जो है पूरे नेक को अटैच कर दी है, और देखिए मैंने ये कपड़े के इस तरह के लटकन बना दिए, और इसी तरह मैंने दूसरा साइड का दूसरी साइड में भी लेस लगा दी है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।